संपत नेहरा गैंग के हार्डकोर अपराधियों को अजमेर से लाकर किया चूरू कोर्ट में पेश। छावनी में तब्दील हुआ कोर्ट परिसर। संपत नेहरा गैंग के हार्डकोर तीन अपराधियों को शुक्रवार को चूरू के जिला एवं सेशन कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। हार्डकोर अपराधियों की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और स्पेशल जवानों को हथियार सहित तैनात किया गया। पांच थानों की पुलिस सहित पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया। हार्डकोर अपराधियों तिलक राज उर्फ तिलका, संदीप कुमार तथा विकास उर्फ मांडिया को अजमेर की घुघरा घाटी जेल से कड़ी सुरक्षा के साथ चूरू लाया गया। हार्डकोर अपराधी तिलक राज उर्फ तिलका, संदीप कुमार व विकास उर्फ मांडिया ने अपने साथियों के साथ 19 जनवरी 2022 को चूरू के पंखा रोड पर स्थित मोयल टाइल व सैनिटरी शोरूम के मालिक से रंगदारी व गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने शोरूम मालिक साजिद खान की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर संपत नेहरा से वीडियो कॉल कर न केवल रंगदारी करते हुए धमकी दी थी बल्कि अपने साथियों के साथ 10,000 रुपये लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था।